शिक्षा सुधार रोज़गार से जुड़े तमाम भाइयों और बहनों को मेरा नीरज का सादर प्रणाम बिहार टी 2017 टी पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षा सुधार रोज़गार आंदोलन ने पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया है जजमेंट के बाद भी इंसाफ जब नहीं मिला तब जाकर फिर से ये केस किया गया है कि अब इंसाफ़ मिले पीड़ित भाई और बहनों आपको ये बता दें कि हमारा जजमेंट ही नहीं कई भाई बहनों का और भी जजमेंट आया है जिसमें निशा कुमारी धर्मेंद्र सिंह और अन्य शामिल हैं और सभी के जजमेंट में किसी में तीस दिन किसी में आठ हफ्ते ये समय निर्धारित किया गया था कि बी बोर्ड उस पर कार्रवाई करे पर बी बोर्ड जो रवैया अपनाए हुए है किसी भी प्रकार के कोई भी काम को करने से इनकार किया है ऐसे में वरिष्ठ वकील दीनू बाबू के द्वारा हमने पटना कोर्ट में ये केस करवाया है आज टोकन नंबर मिल चुका है और एक हफ्ते के अंदर केस नंबर भी मिल जाएगा वरिष्ठ वकील दीनू बाबू कई बिहार टीटी के केस के लड़ चुके हैं और अन्य बीपीएससी के केस के भी उन्होंने लड़े हैं और हमें पूरा यकीन है कि अब इंसाफ़ जल्दी मिलेगा आज जैसा कि हम आपको बता दें बीपीएससी में भी गलत प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में चौसठवीं में और दीनू बाबू ने आज बहस किया और बहस के बाद कल फिर बहस होगा और आशा करते हैं कि बीपीएससी पीड़ितों को भी इंसाफ मिले दीनू बाबू के बहस के बाद पीड़ित अभ्यर्थी जो बीपीएससी पीड़ित हैं वो दीनू बाबू की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे और उन्होंने कहा कि बहस बहुत शानदार था और जीत मिलेगी बिहार टीटी 2017 पीड़ित अभ्यर्थी जो शिक्षा सुधार रोज़गार आंदोलन के साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि कई जजमेंट आने के बाद भी जब बी बोर्ड ने कार्रवाई नहीं की तो हम यह मानना का केस कर रहे हैं और आगे भी अगर कोई जजमेंट आता है तो हमें नहीं लगता कि उस पर जल्द बी बोर्ड कार्रवाई करेगी ऐसे में अब मानना का केस एकमात्र सहारा बचा है पीड़ित अभ्यर्थियों के पास आपके स्क्रीन पर वो टोकन नंबर है जो केस के बाद मिला है टोकन नंबर है सी डब्ल्यू जे सी बाईस इक्कीस चार ऑब्लिक दो हज़ार उन्नीस और समय भी इस पर लिखा है पीड़ित अभ्यर्थी जो भी किसी अन्य केस में भी हैं अब शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन के साथ जुड़े हमारे साथ जुड़े क्योंकि अब कोई भी जजमेंट आए और बी एस बोर्ड इसी तरह नकारात्मक कर रवैया अपनाए रहे इससे अच्छा है कि अब मानना का केस करके और बोर्ड को कड़ी फटकार लगवा करके रिज़ल्ट अपने नाम करे बहाली प्रक्रिया में शामिल हो आप सभी जो भी पीड़ित अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन के साथ जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अन्य पीड़ित अभ्यर्थियों से भी ये गुजारिश करूँगा कि अब मंजिल दूर नहीं है एक हो जाए आपके स्क्रीन पर वो फाइल है जो अब मानना के केस का है अब आपको एकजुट होना है किसी भी प्रकार के भ्रम और भ्रांति से बचना है क्योंकि सच का साथ दे झूठ का नहीं यही हमारा नारा है शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन हर कदम आपके साथ है इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि हमने कार्य को कैसे आगे बढ़ाया है वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद जुड़े रहिए शिक्षा सुधार रोज़गार के साथ